बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त तारिक रोड पे मौजूद हैं और आज रमज़ानुल मुबारक का जुम्मतुल विदा नहीं है, एक आम सा जुम्मा जो हर छः दिन बाद सातवां दिन जुम्मा होता है। और लेकिन इस वक्त जो यहाँ रोड पे नमाज हो रही है, लोग रोडों पे सफ़े बिछा के बैठे हुए हैं और मैं मदीना मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। मेरे साथ इस मस्जिद को जिन्होंने तामीर किया था उनके पोते मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि आप कि हमने इस 35 सालों में तमाम डॉक्यूमेंटेशन की है और हमने कोशिश की जितने इदारे थे उन तमाम से इजाज़त लें, उसके बाद जाके लास्ट ईयर इस पूरी मस्जिद को टाइल्स लगाए गए ऐसे ही, और इस मस्जिद के चारों फ्लोर की तामीर पे करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है और कोई भी यहाँ पर दुकान नहीं है, किसी किस्म की कोई दुकान, एक छोटी सी शॉप भी नहीं है मस्जिद के अंदर। सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि जो भी यहाँ के ताजर हैं, यहाँ के इलाका मकीन आके नमाज पढ़े, हम सिर्फ और सिर्फ एलियाने कराची चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करेंगे कि 4 मंजिला 5 मंजिला मस्जिद है जहाँ पर लोग आके नमाज पढ़े, अगर कोई गुंजाइश निकल सकती है अहले मोहल्ला से मीटिंग करके, ये तक कहने को तैयार हैं कि जमीन की जो भी कीमत बनती है वो हम पे करने को तैयार हैं हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को। लेकिन चूंकि इलाके के अंदर मस्जिद नहीं थी, इसीलिए उस पार्क के अंदर एक पक्का फर्श था, वहां पर लोग नमाज पढ़ा करते थे आज से 35 साल पहले, और होते 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 रश बढ़ता गया नमाजियों का और ये मार्केट बढ़ती चली गई और ये एक मस्जिद तामीर हुई, और जिसके लिए इन्होंने किस किस इदारों से इजाजत ली थी आपने? जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लेटर्स हैं, एनओसीज हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, मस्जिद की जो ट्रस्टीज कमेटी होती है उसके अंदर बाकायदा वकील है और एक प्रॉपर निज़ाम है। और देखें 35 साल से ये मस्जिद कायम दाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस मस्जिद में नॉर्मल जो टाइम उसका डेज होते हैं जिसमें जोहर असर मगरिब इशा की नमाज में भी मार्केट के तकरीबन कोई 2500 से 3000 नमाजी नमाज पढ़ते हैं, और जुम्मे का आप मजमा आप देख सकते हैं कि 7000 से ज़्यादा यहाँ पे जो है नमाजी अपनी नमाज पढ़ते हैं, और ये नहीं और रमज़ानों में भी अल्हम्दुलिल्लाह 17 से ज़ायद मुसल्ले जो है यहाँ पे तरावी सुनाते हैं और सारा ये इंतजाम होता है, एतकाफ का बहुत बड़ा यहाँ पे होता है क्योंकि मार्केट की और तारिक रोड की सबसे बड़ी मस्जिद है। बस यही अपील करेंगे हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप कराची के बेटे हैं सर, आप पाकिस्तान का फखर हैं, और अगर कोई भी ऐसा रास्ता निकल सकता हो, इनकी इंतजामिया हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है, हर किस्म का ताउन, यहाँ तक के इनका ये कहना है कि इसकी जो भी मालियत बनती है हम वो पे करने के लिए तैयार हैं ताकि ये मस्जिद यहाँ कायम रहे, और हर तरह के ताउन के लिए एक बार फिर हम अपील करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि कोई भी अगर सर रास्ता निकल सकता हो अपील में जाने का, कोई भी उसमें ताउन किया जाए। ये एलियान कराची एलियान पाकिस्तान की सिर्फ छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, बहुत शुक्रिया।